एक रात महेंद्र जब था वो वोकन अप हुआ, मतलब नींद से जागा, जब वो सो रहा था तो वो कराहने लगा। जब बिल्कुल विंडो के पास में वो सोया हुआ था, सबसे पहले तो उसे ऐसा लगा कि कोई कैट है जो माउस का पीछा कर रही है, चूहे का पीछा कर रही है, ऐसी उसे आवाज आ रही थी। बट जो साउंड था वो बहुत ही ज्यादा क्लटरल फील हो रहा था कैट के हिसाब से। उसने रेजिस्ट किया उसकी क्यूरोसिटी को, मतलब उसे जानने की बहुत कोशिश कर रहा था वो कि क्या हो रहा है, टू लुक आउट बाहर देखने के लिए, लेस्ट ही शुड बी होल्ड अ साइड। लेकिन उसे पता था कि विंडो के बाहर देखने के लिए उसे अपने दिल को बहुत ही इकट्ठा करना पड़ेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा दिल रुक ना जाए चलने से, इतना डर उसे लग रहा था। बट वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फिनाइल, पर उसकी जो वेलिंग थी, मतलब वो जो आवाजें थी, वो बहुत ही वो लाउडर होते जा रही थी और कम फैलाइन लग रही थी। मतलब अब कैट की आवाज नहीं लग रही थी, बिल्ली के समान आवाज नहीं लग रही थी, कम लग रही थी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लेकिन अब वो उस टेम्पटेशन को और रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो, विंडो सील के लेवल में उसने अपने आप को लाया, एंड ही लुक आउट एट द व्हाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड, और वो देखने लगा वो व्हाइट शीट को, या वो उसे जो फुल मून के दिन जो सितारों की पूरी व्हाइट लाइट दिखती थी वो उसे देखने को मिल रही थी। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल, और वहां से ज्यादा दूर नहीं बट एक डार्क क्लाउडी उसे दिख रहा था, डार्क क्लाउड दिख रहा था क्लचिंग अ बंडल, एक बंडल की तरह। महेंद्र ब्रोक आउट इन टू कोल्ड स्वेट, महेंद्र को ठंड में भी पसीना जो आता है वो पसीना छूटने लगा, एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वो पिलो के ऊपर वापस आकर सो गया पैंटिंग, पिलो को अपने ऊपर लेकर। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैसली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विथ हिमसेल्फ, और क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसे था या उसे जो ईश्वरन ने स्टोरी बताई थी उसके कारण वो अपने आप को बहुत ज्यादा डरा हुआ फील कर रहा था। एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हैज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, और फिर उसे लास्ट में कंक्लूड हुआ कि ये कोई ऐसी सबकॉन्शियस मुझे करने की ऐसी ट्रिक थी जो मेरे ऊपर अप्लाई की गई थी। By the time, उस समय में he had got up in the morning. उस समय तो वो सो गया, लेकिन सुबह जब वो उठा मॉर्निंग में, उसने बात की और came out to have his breakfast. अपना breakfast करने के लिए वो बाहर आ गया। Horror of the previous night had faded from this memory. लेकिन उसके दिमाग से वो जो रात को हुआ उसके बाद incident था वो पूरा fade हो गया था या कम हो गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet. ईश्वरन ने दरवाजे पर ही उसे greet किया, good morning कहा, नमस्ते कहा, और उसका जो lunch packet था उसके हाथ में दिया और उसका bag भी उसके हाथ में दिया। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, जैसे ही महेंद्र बाहर जाने लगा, ईश्वरन ने कहा, सर, Remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arm? तुम्हें क्या याद है? आपको मैंने जो बताया था एक दो दिन पहले ही आपको रात को वो fetus या ghost female के बारे में। You were so angry. आप बहुत गुस्सा हुए थे मेरे ऊपर उस दिन मेरे imagination thing के लिए। Well, आपने खुद ही वो last night देख लिया ऐसा मुझे लगता है। मैं भागते हुए आया भी था आपका आवाज सुनने के बाद, आप मौन कर रहे थे या फिर आप कहरा रहे थे। That was coming from your room. आपके रूम में से आपके कराने की आवाज आ रही थी और मैं भागते हुए वहां आया भी था। A chill went down Mahendra's spine. एक ठंडी जो कह सकते हैं सांस महेंद्र ने ली। He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. उसने ईश्वरन का वेट नहीं किया कि वो अपनी बात को कंप्लीट करे, और he hurried away to his office, और वो अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा। And handed in his papers, और हाथ में उसने वो पेपर्स ले लिए थे, resolving to leave the haunted place the very next day, और वो पेपर्स इसलिए थे कि वो इस जगह को छोड़ना चाहता है अगले ही दिन, बिल्कुल वहां नहीं रुकना चाहता, ऐसा उस पेपर्स में लिखने के लिए वो ऑफिस में देने वाला था, क्योंकि ऑफिस की तरफ से ही उसे रुकने के लिए क्वार्टर्स मिला करते थे। तो उसने वो रिजोल्व करने के लिए उस चीज को या उस जगह पे वो नहीं रहेगा, ऐसे एप्लीकेशन के पेपर्स जो थे वो उसके हाथ में दिख रहे थे। तो आर के लक्ष्मण ने ये बहुत ही सुंदर स्टोरी यहाँ पर फ्रेंड्स लिखी है, और फाइनली यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे अगले वीडियोस देखना ना भूले फर्दर स्टोरीज के लिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।